बांके की हैदरगढ़ विधानसभा सीट पर। यहां से सीधा जनता का रुख करेंगे और जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता का मूड आखिर किस तरफ बन रहा है, कौन है उसकी पसंद, जनप्रतिनिधि का कामकाज कैसा है। अब देखा, हो सकता है सपा आ जाए, हो सकता है भाजपा ही रिटर्न हो जाए। आप क्योंकि एक वोटर हैं और सरकार ने 4.5 साल पूरे कर लिए हैं, तो अब जाहिर सी बात है आप आकलन कर रहे होंगे, तो क्या लगता है योगी जी की वापसी होनी चाहिए या आप परिवर्तन चाहते हैं? भाई सब पब्लिक क्या चाहती है, क्या है कि हो सकता है सपा फिर से आ जाए रिटर्न में। ये हमारा तो भाजपा तरफ है। क्या पसंद है भाजपा? भाजपा में गुंडागिरी नहीं है। हम योगी साहब का वोट देवा और योगी साहब से हमारा है फायदा। 9 महीना हो गया गल्ला हम मोल नहीं लिए, हमका इससे अच्छी सरकार कोई लगत नहीं, कोई कुछ भी कहा हमसे नहीं मतलब। अखिलेश यादव तरफ। क्या बढ़िया किया अखिलेश जी? बहुत अच्छा किया, इतनी महंगाई नहीं रहे, सब कुछ सही रहा, अब तक जनता परेशान नहीं रहा है। जब से यह गवर्नमेंट बनी बीजेपी तबाही तबाही हुई गई। हैदरगढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो 2017 में ये सीट मोदी लहर में भगवामय हो गई, यहाँ पर बीजेपी के विधायक चुनकर आए, लेकिन 2012 और 2017 में ये सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। बसपा अभी तक यहाँ जीत दर्ज नहीं कर पाई है और कांग्रेस तो 1996 में आखिरी बार इस सीट पर आई थी। और जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा सवर्ण वोटर्स हैं, अनुसूचित जाति और मुस्लिम वोटर्स भी यहाँ पर अच्छी खासी तादाद है। 4.5 साल सरकार ने पूरे कर लिए, कई मोर्चे हैं, बुनियादी सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, सरकार के फैसले, क्राइम, इन सब को लेकर आपका क्या सोचना है, कैसा काम कर रही है? हमारे विधायक ने कुछ नहीं किया है, जो हमारे यहाँ प्रॉपर विधायक हैं, बस। अब जब वोट डालने जाएंगे तो जनप्रतिनिधि के हिसाब से मूड बनाएंगे या फिर सरकार और पार्टियों के हिसाब से मूड? जनप्रतिनिधि के हिसाब से। इधर बनेगा देखा जाएगा, अभी तो कोई पक्की बात नहीं है, जो बनेगा वो देखा जाएगा। सरकार 4.5 साल पूरे कर चुकी है तो कैसा लगा आपको काम? ठीक भी है हमारे हिसाब से, कोई गलत काम भी नहीं हुआ है, बस यही इतना कहना है। फिलहाल तो है योगी जी की तरफ, लेकिन हमारे यहाँ विधायक जी ने काम वाम नहीं किया। योगी जी के कौन से फैसले पसंद हैं आपको? उनके सारे फैसले पसंद हैं, जो कि अभी तक किया है वो काम सही किया, अच्छा किया है और जनता के हित में किया है। राजस्थान ने सिर्फ वादे किए हैं जो भी किए हैं, मगर अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है धरातल पे। सिर्फ अखिलेश यादव वाले जो काम थे वही अपने ऊपर बस ले रहे हैं। मतलब अगले साल जो सियासी मूड जो है वो सपा की तरफ ज़्यादा है। कारण इसमें महंगाई चरम सीमा पर है। सपा आना चाहिए, अब उसमें सब महंगाई महंगाई है साहब, और उसमें कोई महंगाई ज़्यादा थी थोड़ो, और 90 रुपया लीटर तेल जा रहा है, 110 रुपये मौत जा रहा है, खाद भी महंगी हो जाए, सब महंगाई तो।